Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss numericals on condenser. So let's begin. The first numerical is a barometric jet condenser deals with 3000 kg of steam per hour. तो ये हमें क्या यहाँ पे ये लिखते रहते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है. तो दिस इज मास ऑफ स्टीम पर आर गिवन है, यानी कि मास फ्लो रेट गिवन है हमारा, ठीक है, स्टीम का. तो ये 3000 केजी पर आर हो गया, एम डॉट एस हो जाएगा ये, ठीक है. द स्टीम इज 0.92 ड्राई, तो ये इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है, क्वालिटी पता है हमारे पास स्टीम की. द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इज 100 mm ऑफ द मरकरी, तो यहाँ पे P एब्सोल्यूट दे रखा है हमारे पास, हमें कंडेंसर का प्रेशर बता रखा है, दैट इज 100 mm ऑफ मरकरी. राइट, द कूलिंग वाटर एंटर्स एट 15 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स हमें टी सी आई गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस. एंड द मिक्स कंडेंसेट एंड द कूलिंग वाटर लीव्स द कंडेंसर एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये कूलिंग वाटर आउटलेट हमें पता चल दिया है, ठीक है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो अब हमसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मिनट एंड द मिनिमम हाइट ऑफ टेल पाइप रिक्वायर्ड अबव द लेवल ऑफ कंडेंसेट इन द हॉट वेल्व. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मिनट एंड द मिनिमम हाइट ऑफ टेल पाइप. तो ये टेल पाइप की बात कर रहा है कि मिनिमम हाइट बताइए उसकी, क्योंकि ये बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर है, ये हाई लेवल जेट कंडेंसर का क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम हाइट ऑफ टेल पाइप चाहिए होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड अबव द लेवल ऑफ कंडेंसेट इन द हॉट वेल. हॉट वेल के ऊपर कितना हमें पाइप चाहिए होगा, मिनिमम हाइट उसकी चाहिए होगी, तो ये हमसे पूछ रहा है. तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट हमें पता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मिनट. तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मिनट को निकालने के लिए हमने जो हीट लॉस्ट बाय द स्टीम थी और हीट गेन्ड बाय द कूलिंग वाटर, उसको हमने बैलेंस किया था. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. दैट फॉर्मूला इज एम डॉट डब्ल्यू सी पी डब्ल्यू इन टू टी सी नॉट माइनस टी सी आई. दिस इज हीट गेन्ड बाय द कूलिंग वाटर इज इक्वल टू एम डॉट एस इन टू एक्स एच एफ जी प्लस एच एफ माइनस एच एफ सी, ठीक है. दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द स्टीम. तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड या क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है. तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एम डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम एस एक्स एच एफ जी प्लस एच एफ माइनस एच एफ सी, राइट, डिवाइडेड बाय सी पी डब्ल्यू टी सी नॉट माइनस टी सी आई. तो हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम गिवन है, दिस इज 3000 पर आर, ठीक है. तो 3000 हमें ये गिवन हो गया है. सी पी डब्ल्यू हमें पानी की स्पेसिफिक हीट पता होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट इज 4.187, तो हम इसको वहाँ यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. तो और टी सी नॉट माइनस टी सी आई, हमें टी सी नॉट भी गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टी सी आई भी गिवन है, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी हैव टू सी अबाउट दीज एंथैल्पीज. तो यहाँ पे एक्स हमें गिवन है, दिस इज 0.92, तो ये भी हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी. एच एफ जी और एच एफ और एच एफ सी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है. तो एच एफ सी जो एच एफ जी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एच एफ जी कितना है. तो उसके लिए हमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एच एफ जी मिलेगी कंडेंसर प्रेशर पे, जो हमारे पास वेट स्टीम की एंथैल्पी होगी वो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है. तो उसके लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी कि प्रेशर कितना था कंडेंसर के अंदर. तो कंडेंसर का प्रेशर दे रखा है 100 mm ऑफ मरकरी. तो ये फिलहाल अभी मरकरी की टर्म्स में दे रखा है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन किलो पास्कल्स और वॉट एवर द यूनिट्स जो हमारी स्टीम टेबल्स में रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि बार या मेगा पास्कल या फिर किलो पास्कल. तो फिलहाल अभी हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो वी विल हैव टू यूज द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्रेशर इन द बार्स. वो कैसे कर सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर 101.325 किलो पास्कल जो प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट होता है, राइट.
क्योंकि 760 mm ऑफ मरकरी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 101.325 इज ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल. ठीक है, तो हमने कहा कि अगर 101.325 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 760 mm ऑफ मरकरी, राइट, तो कितना प्रेशर किलो पास्कल में 100 mm ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट होगा. तो ये हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय राइट 101.325 इंटू 100 डिवाइड बाय 760. हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ये प्रेशर कितना है. लेट से दिस इज पी और ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 13.33 किलो पास्कल. तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया है. नाउ 13.33 किलो पास्कल इज द प्रेशर ऑफ द कंडेंसर. अब इसके इस प्रेशर पे हम एच एफ जी और एच एफ देख सकते हैं. तो हमारे पास एट 13.33 किलो पास्कल एच एफ जी की वैल्यू अगर हम स्टीम टेबल से देखेंगे तो ये होती है 2373.65 किलो जूल पर के जी, एंड एच एफ की वैल्यू होती है 215.5 किलो जूल पर के जी, राइट. तो ये हमारे पास एच एफ जी और एच एफ की वैल्यू आ गई है 13.33 किलो पास्कल पे. ठीक है, नाउ एच एफ सी जो होती है वो सब कूल्ड वाटर की स्टेट है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी चाहिए होगा. तो टेम्परेचर जो कंडेंसेट का हमें गिवन है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. इट इज सेइंग दैट मिक्स कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर लीव्स द कंडेंसर एट 40 डिग्री सेल्सियस. तो कंडेंसेट का टेम्परेचर गिवन है, तो इस पे हम सब कूल्ड स्टेट पे हम एच एफ सी देख लेंगे. यानी कि अब हमें टेम्परेचर की जरूरत भी पड़ेगी, और टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. तो 40 डिग्री सेल्सियस पे एच एफ सी की वैल्यू जो हमारे पास सबकूल्ड स्टेट में मिलेगी दैट इज 165.54 किलो जूल पर के जी. ये भी हमने स्टीम टेबल से देख ली है, राइट. तो अब इन सभी वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और इसमें पुट कर देंगे, तो दैट इज कमिंग 3000. ठीक है, x इज 0.92 ये हमें गिवन है. एच एफ जी हमने देख लिया है 2373.65 है स्टीम टेबल से, प्लस एच एफ इज 215.5 माइनस एच एफ सी इज 165.54, और सी पी डब्ल्यू की वैल्यू हमने बताई कि 4.187 होती है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है ये. ठीक है ना, और टी सी नॉट हमारे पास गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा. तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 64018.67 के जी, राइट. पर ये पर आर आ रही है क्योंकि हमने जो 3000 इस्तेमाल करा था स्टीम का, वो दैट इज 3000 ऑफ स्टीम पर आर. लेकिन क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पर मिनट पूछा है, तो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय द 60. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगी 64018.67 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगी 1066.9 के जी पर मिनट, राइट. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड. अभी हमसे पूछ रहा है द मिनिमम हाइट ऑफ टेल पाइप रिक्वायर्ड अबव द लेवल ऑफ कंडेंसेट इन द हॉट वेल, राइट. तो यहां पे हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो हॉट वेल में प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है, एंड दैट विल बी द सम ऑफ द प्रेशर इन द टेल पाइप एंड जो हमारे पास कंडेंसर का प्रेशर था उसको. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि हॉट वेल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो पी एटमॉस्फेरिक होता है टोटल. ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, हॉट वेल बाहर होता है. ठीक है, तो वो किस किस का सम होगा, वो टेल पाइप के अंदर जो प्रेशर चल रहा है लेट से दिस इज पी वन वो, और जो कंडेंसर का प्रेशर था क्योंकि जस्ट उसके अबव ही होता है. ठीक है, तो वो तो ये हम लिख सकते हैं कि जो पी एटमॉस्फेयर होगा वो पी वन दैट इज द प्रेशर इन द टेल पाइप और कंडेंसर के प्रेशर के बराबर होगा. ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे
वी हैव कैलकुलेटेड द कंडेंसर प्रेशर दैट इज 13.33 किलो पास्कल एंड वी नो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 101.325। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 101.325 इसको लिख सकते हैं। और P1 हमें निकालना है कि कितना प्रेशर वो टेल पाइप लगा रहा है, ठीक है। अनकंडेंसर का प्रेशर हमें पता है 13.33, हमने अभी कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास P1 आ जाएगा, वो P1 कितना होगा, इसको जब माइनस कर देंगे 101.325 में से 13.33 को, तो दैट इज कमिंग 87.995, ठीक है। तो ये किलो पास्कल में हमारे पास प्रेशर आ गया है। नाउ वी हैव टू गिव द मिनिमम हाइट ऑफ द टेल पाइप, ठीक है। तो टेल पाइप के अंदर पानी भरा होता है, तो हमें हाइट बतानी है उसकी। एंड तो जो पानी का कॉलम हो वो इतना प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको रो जी एच के इक्विवेलेंट रख सकते हैं, वेयर एच डब्ल्यू जो होगी वो हाइट हो जाएगी उस टेल पाइप की, क्योंकि उसके अंदर पानी का कॉलम होगा और वो इतना प्रेशर इस पे एग्जर्ट कर रहा होगा हॉट वेल के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम एच डब्ल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो 87.995 विल बी इक्वल टू इंटू 10 to the power 3, क्योंकि पास्कल में हम ले सकते हैं इसको। और रो इज 1000, फॉर वाटर जी इज 9.81 इंटू एच डब्ल्यू। तो यहाँ से हम एच डब्ल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हाइट ऑफ द वाटर निकाल लेंगे, वो आएगी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 8.97 मीटर्स। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम बाय इक्वेटिंग द प्रेशर फॉर्मूला ऑफ रो जी एच टू द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द टेल पाइप। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर इन द सरफेस कंडेंसर इज 37.31। तो टेम्परेचर हमें सरफेस कंडेंसर में, एक सरफेस कंडेंसर की ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो एक बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर का था, ये सरफेस कंडेंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन अ सरफेस कंडेंसर इज 37.31 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर गिवन है 37.31, ये टेम्परेचर कंडेंसर का हो गया। तो टी कंडेंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है, या टी सी लिख सकते हैं इसको, 37.31 डिग्री सेल्सियस। नाउ वैक्यूम दे रखा है हमें 698 mm ऑफ Hg। तो हमें पी वैक्यूम इज 698 mm ऑफ Hg, ये हमें गिवन है इसका वैक्यूम। एंड द बैरोमीटर रीड्स द 755.2 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल जो पी बैरोमेट्रिक आ रहा है, जो बैरोमीटर हमारा रीड कर रहा है, दैट इज 755.2 mm ऑफ Hg, राइट। तो ये जो हमारे पास वैक्यूम आ रहा है वो भी इसी के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वी नो द प्रेशर की, प्रेशर में जो ये वाला एक लाइन होती है, तो हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक हमारे पास होती है एटमॉस्फेरिक या बैरोमेट्रिक लाइन, ठीक है, एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट लाइन, राइट। तो अब क्योंकि ये वैक्यूम गिवन है, तो दिस इज बीइंग रिलेटिव टू द बैरोमेट्रिक लाइन। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग दे रखी है कि दैट इज ये 698 का वैक्यूम है, यानी कि 698 कम है वो बैरोमेट्रिक लाइन से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, करेक्ट द वैक्यूम रीडिंग टू द स्टैंडर्ड बैरोमीटर ऑफ 760 mm, ठीक है। इस वैक्यूम को करेक्ट करो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बैरोमीटर रीडिंग थे। तो हमने यहाँ पे करेक्टेड वैक्यूम बताना है, ठीक है। तो अगर जब हमारे पास 755 का बैरोमीटर था, ठीक है, और उसने रीड करी 698, यानी कि वो स्टैंडर्ड बैरो जो एक्चुअल बैरोमेट्रिक रीडिंग से 698 नीचे है, राइट। तो स्टैंडर्ड से कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है, करेक्टेड वैक्यूम बताना है। तो करेक्टेड वैक्यूम हम निकाल सकते हैं, हम पहले देखेंगे कि ये कितना नीचे है, कितना इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो 755.2 हमारे पास जो थी एक्चुअल बैरोमेट्रिक रीडिंग थी, ठीक है, और 698 हमारा वैक्यूम इसने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम इनको माइनस कर देंगे, दैट इज 57.2। तो 57.2 का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस हमारा 760 से भी आना चाहिए, ठीक है। ये इतना नीचे है, ठीक है, तो 760 माइनस 57.2 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास करेक्टेड वैक्यूम आ जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 702.8 mm ऑफ एच जी। तो दिस इज योर करेक्टेड वैक्यूम, ये हमने करेक्टेड वैक्यूम निकाल दिया है इसका, ठीक है। 760 माइनस 57.2 से माइनस कर दिया, क्योंकि 755 ने जब रीड करा था तो हमारे पास 698 का वैक्यूम आया था, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस आया 57.2 का। अब यही डिफरेंस हमें कहाँ चाहिए, स्टैंडर्ड से चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो करेक्टेड वैक्यूम आ गया 760 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितना आ गया, 702.8, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द करेक्टेड वैक्यूम, राइट। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर एंड स्टीम, तो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है एयर और स्टीम का, यानी कि इसके अंदर एयर भी लीकेज हुई है, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर और स्टीम निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता है, हम पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निकाल सकते लगा सकते हैं। दैट इज द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एयर प्लस द प्रेशर ऑफ स्टीम, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन है, क्यों, क्योंकि वैक्यूम उसने बता रखा है कि 698 का वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं कि जिस प्रेशर पे कंडेंसर काम कर रहा होगा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स ऊपर से बैरोमेट्रिक रीडिंग जो हमारे पास आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 698 आया है, तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास प्रेशर होगा वो हम देख लेते हैं कितना है यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट हो जाएगा 755.2 माइनस 698, दैट इज 57.2। ये हमारे पास एमएम ऑफ एनर्जी, ये वो प्रेशर है जिस पे, ये वो एब्सोल्यूट प्रेशर है जिसके ऊपर हमारा कंडेंसर वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो कंडेंसर का प्रेशर हमें इन एमएम ऑफ एचजी मिल गया है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द सेम यूनिटरी मेथड टू द किलो पास्कल। तो वो हम कैसे करेंगे कि कितना प्रेशर होगा 57.2 mm ऑफ एच जी में, अगर 101.325 101.325 पे 760 mm ऑफ एच जी होती है, तो यहां से हम पी एब्सोल्यूट निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, तो वो आ जाएगा 57.2 इंटू 101.325 अपॉन 760। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 7.63 किलो पास्कल, राइट। तो 7.63 किलो पास्कल ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम द एमएम ऑफ एच जी, फ्रॉम द कॉलम ऑफ मरकरी टू द किलो पास्कल। तो ये वो प्रेशर है जिसपे वो जो कंडेंसर है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 7.63, और हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है कंडेंसर का 37.31। तो अब हम यहाँ पे इस टेम्परेचर पे, मतलब 37.31 डिग्री सेल्सियस पे सेचुरेटेड प्रेशर देख लेते हैं कि सेचुरेटेड प्रेशर कितना है, ठीक है। तो हम वो देखेंगे, तो वो अगर हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बेस्ड जब स्टीम टेबल देखेंगे तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर मिल जाएगा। तो 37.31 डिग्री सेल्सियस पे जब हम स्टीम टेबल देखेंगे तो हमें मिलेगी कि 6.439 किलो पास्कल ये सेचुरेटेड प्रेशर है, यानी कि ये प्रेशर है स्टीम का, ये स्टीम का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास कंडेंसर है वो ज्यादा प्रेशर पे काम कर रहा है 7.63 पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो 37.31 डिग्री सेल्सियस की हुई कंडेंसर का टेम्परेचर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड प्रेशर कितना होगा, 6.439। तो इस पे काम करना चाहिए, लेकिन काम किस पे कर रहा है, 7.63 पे, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये क्यों बढ़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां से हम पी एयर निकाल सकते हैं, जो पी हमारे पास गिवन है, टोटल हमारे पास प्रेशर गिवन होगा वो दैट इज 7.63। ये हमने देखा कि कंडेंसर का प्रेशर था, पी एयर हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। पी स्टीम हमने प्रेशर का स्टीम का प्रेशर हमने देख लिया है, दैट इज 6.439, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है 37.31 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा, 7.63 में से 6.439 माइनस कर देंगे, दैट इज कमिंग 1.191, ठीक है। तो ये हमारे किलो पास्कल, तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर आ गया, ठीक है। तो हमसे उसने पूछा था व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड स्टीम, तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर और स्टीम दोनों बता दिए हैं, ठीक है। स्टीम का प्रेशर कितना होगा, सेचुरेटेड प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, एट द कॉरेस्पॉन्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर, तो वो हमने बता दिया 6.439 किलो पास्कल जो प्रेशर ऑफ स्टीम है, ठीक है। और एयर का हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि टोटल प्रेशर जो होता है वो उसके कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है, ठीक है, हमने
उसको इस्तेमाल करा और पी एयर बता दिया है 1.191 किलो पास्कल। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड स्टीम। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है मास ऑफ एयर एसोसिएटेड विद 1 kg ऑफ स्टीम, तो मास ऑफ एयर बतानी है। ठीक है, अब मास ऑफ एयर हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो मास ऑफ एयर बताने के लिए हमें पीवी इज इक्वल टू एमआरटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मास। ठीक है, अब हमें पी वी और आर और टी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर हमें पता है एयर का कितना है, 1.191 किलो पास्कल है, तो 1.191 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, तो कंडेंसर के अंदर जितना वॉल्यूम, क्योंकि स्टीम भी एक तरीके से गैस है, ठीक है, तो जितना वॉल्यूम स्टीम एक्वायर कर रही होगी उतना ही इस जो वॉल्यूम होगा वो एयर का होगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टीम विल बी इक्वल। ठीक है, तो जो हमारे पास 37.31 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन था उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, हम यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.585। ठीक है, तो ये हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉल्यूम ऑफ स्टीम के बराबर होगा। ठीक है, एट द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 37.31 डिग्री सेल्सियस, या हमारे पास प्रेशर भी गिवन है 6.439, राइट। जो हमारे पास R की वैल्यू होती है वो हमें पता होती है, स्टैंडर्ड है 0.287 फॉर एयर। ठीक है, एंड द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना है 37.31, राइट। तो कंडेंसर का प्रेशर है, ठीक है, तो कंडेंसर का टेम्परेचर है, तो हम इसको अब टेम्परेचर यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन जो हमारे पास R की वैल्यू होती है वो होती है किलो जूल पर के जी केल्विन में, तो हमें टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में लगाना पड़ेगा। तो 37.31 को कन्वर्ट कर लेते हैं इन केल्विन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 310.31। ठीक है, प्लस 37.31 प्लस 273 करेंगे तो 310 आ जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास जो एयर की जो हमारे पास मास होगा वो आ जाएगा, दैट इज 0.302 केजी पर केजी ऑफ स्टीम। तो ये हमारे पास आ जाएगी मास ऑफ एयर एसोसिएटेड विद द 1 kg ऑफ स्टीम, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एयर ऑल्सो बाई यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। एम की वैल्यू हमने यहाँ पे कैसे निकाली है, पी वी अपॉन आर टी से। तो यहाँ पे हमें प्रेशर पता था एयर का, हमने निकाला था 1.191। वॉल्यूम हमने ये माना कि जो स्टीम का वॉल्यूम होगा वही एयर का भी वॉल्यूम होगा, तो हमने उसी को इक्वेट करा है। ठीक है, आर हमें स्टैंडर्ड पता होती है 0.287 और टेम्परेचर को हमने कैल्विन्स में रखा है। ठीक है, जो हमें टेम्परेचर कंडेंसर का गिवन था 37.31, राइट। तो इस दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एयर एसोसिएटेड विद द 1 kg ऑफ स्टीम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑन स्टीम कंडेंसर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। कंडेंसर वैक्यूम इज 680 mm ऑफ एचजी, तो कंडेंसर का वैक्यूम दे रखा है हमें। ठीक है, कंडेंसर का वैक्यूम पी वैक्यूम दे रखा है हमें, दैट इज 680। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडेंसर का वैक्यूम गिवन हो गया, हॉट वेल का टेम्परेचर दे रखा है, बैरोमेट्रिक रीडिंग दे रखी है हमें 764। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक रीडिंग नहीं यूज हुई है, एक बैरोमेट्रिक रीडिंग है 764, तो हमें करेक्टेड वैक्यूम बताना पड़ेगा, जैसा कि हमसे वो पहला पार्ट ही पूछ रहा है, कंडेंसर वैक्यूम करेक्टेड टू द स्टैंडर्ड बैरोमीटर। ठीक है, हमें कंडेंसेट बता रखा है कि कंडेंसेट कितना फॉर्म हो रहा है 1780 kg। ठीक है, कंडेंसेट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितनी मास ऑफ स्टीम, क्योंकि हम अगर हम ये माने कि जो मास ऑफ स्टीम है वही कन्वर्ट होती है कंडेंसेट के अंदर, तो हमें एक तरीके से मास ऑफ स्टीम यहाँ पे गिवन हो गया है 1780, ठीक है, kg, राइट। मीन कंडेंसर टेम्परेचर रखा है, कंडेंसर का टेम्परेचर दे रखा है 36.2। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर देख रखा है कूलिंग वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस, आउटलेट टेम्परेचर दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस, एंड द क्वालिटी ऑफ कूलिंग द क्वान्टिटी ऑफ कूलिंग वाटर कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड, जो क्वांटिटी है हमारे पास कूलिंग वाटर की वो दे रखी है 1250 kg per minute। ठीक है, तो 1250 kg per minute हमें दे रखा है ये चीज, राइट। तो दिस इज, तो अब हमें क्या बताना है इसमें क्वेश्चन में,
कंडेंसर वैक्यूम करेक्टेड टू द स्टैंडर्ड बैरोमीटर, ये बताना है कि करेक्टेड वैक्यूम कितना होगा, वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी बतानी है, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर, यानी कि हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन बताना है, यहाँ पे एक्स बताना है कि कितना होगा, राइट right? तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले जो हमारा पार्ट है कंडेंसर वैक्यूम कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड बैरोमीटर, तो फिर से हम वही देखेंगे कि हमारा जो बैरोमेट्रिक एक्चुअल बैरोमेट्रिक रीडिंग थी वो कितनी थी, तो एक्चुअल पी बैरोमेट्रिक हमारे पास कितना था, 764 mm था, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैक्यूम मिला है वो हमें मिला 680 mm का, राइट right? तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4, एंड दिस इज 84 mm का, ठीक है, तो ये 84 mm नीचे है, राइट right? तो यहां से हम जो अपना करेक्टेड वैक्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है पी स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक होता है दैट इज 760, और हमें 760 के अकॉर्डिंग ये 84 का डिफरेंस चाहिए, तो यहां से अगर हम 84 को माइनस कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 676 mm, ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्टेड वैक्यूम होगा अकॉर्डिंग टू द 760 वो कितना हो जाएगा, 676 mm ऑफ एचजी हो जाएगा, राइट right? तो यहां से हमने करेक्टेड वैक्यूम निकाल दिया है कि करेक्टेड वैक्यूम हमारे पास कितना है, 676 mm ऑफ एचजी है, ठीक है, तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि बस हमें ये चाहिए होता है कि अगर 764 में से जो एक्चुअल बैरोमेट्रिक में से वैक्यूम कितना मिला है तो उतना ही वैक्यूम हमें स्टैंडर्ड से मिलना चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड से उतना डिफरेंस माइनस कर दिया, ठीक है, तो 676 mm ऑफ एचजी हमारे पास करेक्टेड वैक्यूम आ गया, राइट। नेक्स्ट इज योर वैक्यूम एफिशिएंसी एंड द कंडेंसर एफिशिएंसी, तो वैक्यूम एफिशिएंसी वो हमसे पूछ रहा है, तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होती है, यहां पे हम फॉर्मूला देखेंगे पहले वैक्यूम एफिशिएंसी का, तो दैट इज वैक्यूम क्रिएटेड इन द कंडेंसर और जो मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट हो सकता था, ठीक है, पीजी मैक्स, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है वैक्यूम एफिशिएंसी, तो यहां पे हमारे पास वैक्यूम पता है हमें कि कितना क्रिएट हुआ है, जो हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है, 680 का वैक्यूम क्रिएट हुआ था, ये हमें गिवन है कि कंडेंसर वैक्यूम इज 680 mm, ठीक है, तो हमारे पास पीजी की वैल्यू हमें गिवन है 680 है, राइट। नाउ हम ये बताना, अब हमें पीजी मैक्स बताना पड़ेगा, पीजी मैक्स यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा कितना मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट हो सकता था, ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कंडेंसर का टेम्परेचर दे रखा है 36.2 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये देखेंगे कि इस 36.2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, सैचुरेटेड प्रेशर कितना होता है, राइट right? तो सैचुरेटेड प्रेशर हमने स्टीम टेबल से देखा कि 36.2 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड प्रेशर होता है अराउंड 6 किलो पास्कल्स का, ठीक है, राइट। ये हमारे पास 36.2 डिग्री जो हमारा कंडेंसर का प्रेशर था, ठीक, टेम्परेचर था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया कि 6 किलो पास्कल इतना सैचुरेटेड प्रेशर होता है, ठीक है, अगर हम इसको एमएम में कन्वर्ट करें ऑफ मरकरी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि फिर से हम यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे, ठीक है, कि अगर जो 760 mm जो होता है वो 101.325 के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, तो कितना mm 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 6 किलो पास्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे दैट इज पी सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, ये आ जाएगा हमारे पास 760 × 6 डिवाइडेड बाय 101.325, ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 45 mm, ठीक है, यानी कि इतना सैचुरेटेड वैक्यूम हमें मिलना चाहिए था 36.2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन हमें मिला कितना है 680, तो हम इसको पी सैचुरेटेड को अपने एक्चुअल बैरोमेट्रिक रीडिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी कि हमारे पास इतना सैचुरेटेड बैरोमीटर ये रीड कर रहा था, ठीक है, और इतना हमारे पास सैचुरेटेड वैक्यूम एब्सोल्यूट वैक्यूम मिलना था, ठीक है, तो वैक्यूम कितना क्रिएट होगा यहाँ पे 764 - 45, ठीक है, तो जो हमारे पास पी वैक्यूम मैक्सिमम वैक्यूम जो हमारे पास यहां पे क्रिएट हो सकता था वो कितना हो सकता था 764 - 45, क्योंकि सैचुरेटेड जो हमारे पास पी आया वो कितना आया 45 mm का, ठीक है, और बैरोमीटर ने कितना रीड करा था
764। यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कि जो ये 6 किलो पास्कल्स या 45 आता है, ये एब्सोल्यूट आता है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में आता है। दैट मीन्स कि अगर हम प्रेशर की लाइंस यहाँ पे देखें तो ये जो पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन किस तरीके से है और हमने किस तरीके से निकाला है, राइट। तो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, 764 ये हमें यहाँ गिवन है, राइट। 680 का वैक्यूम गिवन है, दैट मीन्स ये 680 का वैक्यूम ऊपर की तरफ से गिवन है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम जो हमारे पास जब हम वर्ड पढ़ते हैं कि वैक्यूम बनाया गया है, यानी कि इतना वो नीचे आ गया है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो 680 जो हमारे पास गिवन है दैट इज योर वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू द बैरोमेट्रिक रीडिंग, ठीक है। अगर हम इसका एब्सोल्यूट प्रेशर मानेंगे तो ये हमारे पास जो ये नीचे चीज आएगी, ठीक है, ये डिफरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट की लाइन ये होती है, राइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट यहां से मिल जाएगा। अब जब हम स्टीम टेबल्स देखते हैं कि 36.2 दैट इज 6 किलो पास्कल हमें सेचुरेटेड प्रेशर मिल रहा हुआ है, ठीक है, तो बेटा ये सभी सभी चीजें ये एब्सोल्यूट होती हैं। अब यहां पे हम बोलें कि से 101.325 जो किलो पास्कल हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो 101 की वैल्यू कहां तक अचीव हुई, वो यहां से अचीव हुई है 101 की, ठीक है ना। तो उसी तरीके से 6 किलो पास्कल क्या हो गया, वो यहां से हुआ, ठीक है। तो 45 mm जब हमने इसको कॉरेस्पॉन्डिंग करा तो वो नीचे से आ रहा है एब्सोल्यूट, तो वैक्यूम कितना कहेंगे हम उसको, अगर हम 764 में से माइनस कर देंगे तो अपनी 64 की वैल्यू, तो वैक्यूम ये कहलाता है, ठीक है, नीचे से आएंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूम हमने कितना बता दिया, 764 माइनस 45, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 719 mm ऑफ HG, ठीक है, 719 आ जाएगी। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना वैक्यूम क्रिएट हो सकता था, 719, ठीक है, तो हम इसका रेशियो ले लेंगे, तो ये हमारे पास इसका जब हम डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 94.57% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। तो दिस इज योर वैक्यूम एफिशिएंसी। यहाँ पे प्रेशर का बस कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन था या वैक्यूम प्रेशर गिवन था, और कौन से प्रेशर एब्सोल्यूट होते हैं और कौन से वैक्यूम होते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम बैरोमेट्रिक की बात करेंगे कि बैरोमेट्रिक है तो वो भी एक तरीके से हमारे पास एब्सोल्यूट है कि बैरोमीटर ने रीड कर लिया है, और लेकिन जब हम करेंगे कि वैक्यूम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना क्रिएट हुआ है, वैक्यूम तो यानी कि वो उससे इतना नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट क्या होगा, हम बैरोमेट्रिक में से वैक्यूम को माइनस कर देंगे तो वो एब्सोल्यूट आ जाएगा, राइट। दिस इज द प्रेशर कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम वैक्यूम एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, हमें वैक्यूम गिवन था 680, और मैक्सिमम कैसे निकाला, हमें पास मेन कंडेंसर टेम्परेचर गिवन था 36.2, तो हमने देखा कि 36.2 पे 6 किलो पास्कल का सेचुरेटेड प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो 6 किलो पास्कल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि mm ऑफ Fg में कॉलम ऑफ मरकरी में कितना आ रहा है, ठीक है, तो उतना हमने वैक्यूम बता दिया अपनी बैरोमेट्रिक रीडिंग में से माइनस करके एब्सोल्यूट प्रेशर को, ठीक है। तो दिस इज 719 आ जाएगा, तो यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल दी है, वैक्यूम एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज योर द कंडेंसर एफिशिएंसी। अब कंडेंसर एफिशिएंसी क्या होती है, तो कंडेंसर एफिशिएंसी होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कितना कूलिंग वाटर टेम्परेचर लेके गया, टीसी नॉट माइनस TCI, और वो कितना मैक्सिमम लेके जा सकता था, ठीक है ना, टी सेचुरेटेड माइनस TCI। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो टीसी नॉट हमें गिवन है कि कितना आउटलेट टेम्परेचर है कूलिंग वाटर का, दैट इज 32, ठीक है, इनलेट इनिशियल टेम्परेचर गिवन है हमें 20 डिग्री सेल्सियस। टी सेचुरेटेड देखना पड़ेगा कि टी सेचुरेटेड कितना है, तो टी सेचुरेटेड कितना होगा, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर था, जो हमारे जिसमें कंडेंसर काम कर रहा था वो कितना था, तो कंडेंसर कौन से एब्सोल्यूट प्रेशर पे काम कर रहा था, 84 mm पे काम कर रहा था, ठीक है ना भाई। उसकी बैरोमेट्रिक रीडिंग कितनी थी, 764, उसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ यानी कि 680 का, ठीक है, और तो उसका पी एब्सोल्यूट को कितने एब्सोल्यूट प्रेशर पे काम कर रहा था, 84 mm पे काम कर रहा था, राइट। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले तो प्रेशर देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, तो हम 84 mm को कन्वर्ट कर लेते हैं किलो पास्कल में, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 84 इंटू 101.325
डिवाइडेड बाय 760। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 किलो पास्कल। तो 84 के यानी कि हमारे पास जो कंडेंसर काम कर रहा था वो कर रहा था 11.2 किलो पास्कल्स पे, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 11.2 किलो पास्कल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, सेचुरेटेड टेम्परेचर देख लेंगे अब, ठीक है, कि सेचुरेटेड टेम्परेचर कितना होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो सकता था, ठीक है ना। तो एट 11.2 किलो पास्कल टी सेचुरेटेड इज, जब हम इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 48 डिग्री सेल्सियस जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास सेचुरेटेड टेम्परेचर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हमारे पास हो गया 48 माइनस फिर से 20 ही कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 12 बाय 28। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 42.86%, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंडेंसर एफिशिएंसी। जब हमारे पास वैक्यूम एफिशिएंसी थी तो हमारे पास कंडेंसर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड प्रेशर देखना होता है, ठीक है। और जब कंडेंसर एफिशिएंसी थी तो हमारे पास कंडेंसर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड टेम्परेचर देखा हमने कि कितना हो सकता था, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंडेंसर एफिशिएंसी। नेक्स्ट पार्ट इज योर द कंडीशन ऑफ द स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर। तो कंडीशन ऑफ स्टीम हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ स्टीम हम निकालेंगे बाई यूजिंग द सेम फॉर्मूला ऑफ द हीट बैलेंस, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू MWCPW इंटू TC0 माइनस TCI विल बी इक्वल टू M.S XHFG प्लस HF माइनस HFC, राइट। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, और x की कैसे वैल्यू निकल सकती है पहले ये देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो MW हमें गिवन है, द मास ऑफ कूलिंग वाटर, द क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड हमें गिवन है 1250, ठीक है। तो 1250 पर मिनट लेकिन ये गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1250, ठीक है। CPW हमें पता होती है 4.187 होती है। TC0 हमें गिवन है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर इज 32। TCI हमें गिवन है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर। M.S द कंडेंसेट फॉर्म्ड पर आर हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बात करी थी कि हम ये माने कि अगर जो मास ऑफ स्टीम है वही कंडेंसेट में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो 1780 पर आर हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो MW दे रहा था, क्वांटिटी ऑफ वाटर थी, वो पर मिनट में दे रखी थी। तो हम इसको पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मास ऑफ स्टीम कितनी हो जाएगी, 1780 पर अपॉन 60, ठीक है। तो ये हमारे पास पर मास ऑफ स्टीम आ गई, ठीक है। एक्स हमें नहीं पता, ये हमें बताना है। एच एफ जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एच एफ जी कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रेशर चाहिए होगा कि किस प्रेशर कितना प्रेशर था कंडेंसर का। तो हमने निकाला था कितना प्रेशर था, 11.2 किलो पास्कल्स, ठीक है। तो 11.2 किलो पास्कल पे एच एफ जी की वैल्यू देख लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एट 11.2 किलो पास्कल एच एफ जी की वैल्यू कितनी है, ये हम स्टीम टेबल से देख लेंगे, दैट इज 2387.2। और एच एफ की वैल्यू देख लेंगे, दैट इज 200.1, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2387.2 प्लस 200.1 माइनस। अब एच एफ सी के लिए हमें पास कंडेंसेट का टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। तो कंडेंसेट के टेम्परेचर के लिए हमें हॉट वेल का टेम्परेचर दे रखा है कि वो किस पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो 30 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या देख लेंगे, एच एफ सी की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है, सब कूल्ड स्टेट में, ठीक है। तो वो हमारे पास मिल जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस पे 125.75। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पे हम रख देंगे 125.75। तो इस इक्वेशन में देखो सब कुछ वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, 1250, 4.187 इंटू 12, 1780 बाय 60, और यहाँ पे सिर्फ x बचा है। तो हम x को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 0.856। तो ये वैल्यू हमारे पास 0.856 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टीम या कंडीशन ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर, ये हमारे पास भी आ चुकी है बाय यूजिंग द हीट बैलेंस इक्वेशंस। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कंडेंसर्स। थैंक यू वेरी मच।